गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सेल के टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट थे और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट थे, मींस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थे और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट थे। तो देखो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो प्लांट सेल में किसने की और एनिमल सेल में किसने की। तो देखो राइबोसोम की डिस्कवरी प्लांट सेल में रॉबिनसन एंड ब्राउन ने की। प्लांट सेल में राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की? रॉबिनसन एंड ब्राउन ने की। और एनिमल सेल में पैलाडे नाम का एक साइंटिस्ट है, पैलाडे, जिसने एनिमल सेल में राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। तो प्लांट सेल में किसने की थी? रॉबिनसन एंड ब्राउन ने। और एनिमल सेल में किसने की थी? पैलाडे ने की थी। एनिमल सेल में राइबोसोम की डिस्कवरी पैलाडे ने की थी, इसी के नाम से राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? पैलाडे पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देखो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने देखो उसमें भी देखे थे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया था, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम थे, उसके ऊपर ऐसे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर थे स्फेरिकल शेप की, ठीक है। तो वो क्या थे? राइबोसोम थे। तो देखिए दीज आर डेंस स्फेरिकल ग्रेनुल्स लाइक पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 152-250 एंगस्ट्रोम इन डायमीटर। राइबोसोम की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 152-250 एंगस्ट्रोम, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। तो इसी वजह से राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है, एंगस्ट्रोम में है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब राइबोसोम मिलता कहाँ पे है? तो दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। किससे मिलता है? बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, जैसे मैंने एग्जांपल बताए थे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में क्या मिलते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में राइबोसोम क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है राइबोसोम किस में अब्सेंट होते हैं? मैमिलियन आरबीसी में राइबोसोम क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब राइबोसोम किस किस में और प्रेजेंट होता है? देयर आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बट सेल के जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है उनमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो ए सेल ऑर्गेनली, इसमें भी क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड आपने सुना होगा, प्लांट प्लास्टिड ओनली प्लांट्स में ही मिलता है, जिसके तीन टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। बट क्लोरोप्लास्ट में ही क्या मिलते हैं? राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम किससे मिलकर बना है, क्या क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन है, किससे मिलकर बना है? तो राइबोसोम जो है बेटा वो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। तो देखो आरएनए मींस आरएनए तो आपने सुना होगा, आरएनए क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। तो आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड।
आर एन ए के तीन टाइप होते हैं, एक होता है आर आर एन ए, एक होता है एम आर एन ए और एक होता है टी आर एन ए। तो जो राइबोसोम है वो किसका बना होता है, आर आर एन ए का बना होता है, और आर का फुल फॉर्म क्या होगी, राइबोसोमल, क्या होती है, राइबोसोमल। तो क्या हो जाएगी फुल फॉर्म, आर आर एन ए की राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का ये बना होता है। इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। तो ये था राइबोसोम के बारे में बेसिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमिनेशन कोफिशिएंट, सेडिमिनेशन कोफिशिएंट के बेस पे राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। आप देखिए 70S राइबोसोम किसे मिलते हैं और 80S राइबोसोम किसमें मिलते हैं। 70S राइबोसोम जो है बेटा वो किसमें मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और जो मैंने अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उन दोनों में भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो 70S राइबोसोम है इसकी दो यूनिट है, इसकी सब यूनिट्स है। एक को हमने माना है लार्जर सब यूनिट्स और एक को हमने माना है स्मॉलर सब यूनिट। तो देखो लार्जर में हम 70S को पार्ट कर देंगे 50S एंड 30S में। अस देखो क्या होता है, एस को हम बोलते हैं स्वेडबर्ग, क्या बोलते हैं एस को हम, स्वेडबर्ग, एक यूनिट होती है इसको, क्या होती है, ये एक यूनिट होती है राइबोसोम की। अगर हम स्वेडबर्ग को सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 10^-30 सेकंड होती है। ठीक है, तो 70S की दो यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट में 50S टाइप का आरएनए राइबोसोम होता है और स्मॉलर में 30S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, अब देखिए 80S राइबोसोम किसमें मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। किसमें मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। तो इसके भी क्या होती है, दो यूनिट होती है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो लार्जर में 60S टाइप के राइबोसोम होते हैं और स्मॉलर में 50S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, सॉरी 40S राइबोसोम होता है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये ऊपर मैंने लार्जर सब यूनिट दिखाई है और नीचे मैंने क्या दिखाई है, स्मॉलर सब यूनिट दिखाई है। ठीक है, एक साइड मैंने लिखा है यूकैरियोट्स और एक साइड लिखा है मैंने प्रोकैरियोट्स। तो देखो प्रोकैरियोट्स में कितना राइबोसोम था, 70S राइबोसोम था, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 50S और 30S हो जाएगी। इसी तरह यूकैरियोट्स की कितना था टोटल, 80S था राइबोसोम। अब देखो स्मॉलर 40S और लार्जर 60S सब यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इसके फंक्शन क्या होंगे राइबोसोम के। तो राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बट ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। थैंक्स।